brought to you by Infinix. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं डी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। अपने शरीर से एक सेकंड के लिए आत्मा निकलती देखना चाहते हैं तो पुनीत सिंह नाम के यूजर का शेयर किया ये वीडियो देखिए। क्या आपको भी एक सेकंड को धक्का लगा? बस यही पूंजीवाद की जीत है। खुद से पूछिएगा, जब भी बहुत पैसे कमाने वाली कंपनियों के बहुत पैसे कमाने वाले प्रोडक्ट आते हैं, उनसे जुड़ा बहुत रिलेटेबल कंटेंट कैसे आ जाता है? उनका छोड़ो, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के शो में क्या है खास। कुल्हड़ पिज्जा कपल के वायरल वीडियो में यूट्यूबर के बाद अब राजनीति की एंट्री। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इस कुत्ते वाले वीडियो पर भड़क गए हैं लोग। बात करेंगे अजगर दीमक और हैकिंग की, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात लंगूर के हाथ आए कंप्यूटर की। सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से जालंधर के कुल्हड़ पिज्जा से मशहूर हुए कपल की बातें चल रही थी। उनका एक कथित प्राइवेट वीडियो वायरल हुआ जिसे कपल ने AI से बना हुआ बताया। बाद में एक महिला की ओर से ब्लैकमेल किए जाने की बातें आई। फिर ये भी पता चला कि उस कपल के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है। फिर एक यूट्यूबर की भी मामले में एंट्री हुई, करण दत्ता की। करण दत्ता ने भी अपनी तरफ से अपनी सफाइयाँ दी। अब सहज अरोड़ा ने एक नया इंस्टा पोस्ट किया है जहां से सीन में आई है राजनीति, कुछ चीज़ें साफ की हैं और कुछ आरोप लगाए। मीडिया और लोगों से अपील की, कहा कि बार बार वीडियो बनाने या इंटरव्यू देने की उनकी हिम्मत नहीं है, बिना सबूत के उनकी छवि खराब नहीं की जाए, पुलिस अपना काम कर रही है, ये लिखा। इसके बाद बड़ा आरोप ये लगाया कि हमें राजीनामे के लिए फोर्स किया जा रहा है, हम पर राजनीतिक दबाव लगाकर राजीनामे के लिए मजबूर किया जा रहा है। आगे कहा कि हमने इस काम से मना कर दिया है। आगे ये भी लिखा उन्होंने कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, लेकिन सबूत है जनता के साथ की उनको ज़रूरत है, ऐसा लिखा। आगे वो वीडियो शेयर न करने की अपील भी वो करते रहे। अब सवाल ये उठता है कि अगर इनके आरोप सही हैं तो वो कौन से नेता हैं, कौन सी पार्टी के नेता हैं या कौन से पॉलिटिकल लोग हैं जो उन पर पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं। इस बीच एक वीडियो और वायरल हुआ, ये वीडियो था एमी विर्क का। अच्छी बात कह रहे थे, एक कंसर्ट या प्रमोशनल इवेंट में थे, वहाँ कुल्हड़ पिज्जा कर जिक्र आने पर उन्होंने कहा कि किसी के परिवार को इतना जलील ना किया जाए, जो हो गया सो हो गया, गलती सबसे होती है, उनसे हो गई उसको भूल जाओ, ऐसे वायरल करके किसी को मरने के लिए मजबूर ना करो, कोई मिस हैपनिंग हो गई तो बाद में कमेंट में वाहे गुरु लिखोगे, उनके परिवार को सोशल मीडिया पर जलील मत करो, बात को ख़त्म कर दो। अब लोग इसको सच्ची इंसानियत बता रहे हैं। गौर सिटी के 7th Avenue सोसाइटी का नाम और कारनामा आपको अब तक याद हो गया। मामला ये था कि एक लड़का लिफ्ट में अपने कुत्ते के साथ जाने की कोशिश करता है। लिफ्ट में पहले से एक बच्चा रहता है, कुत्ते को देखकर बच्चा रोने लगता है। गार्ड आता है, डॉग ओनर से दूसरी लिफ्ट से जाने की गुजारिश करता है, लेकिन युवक फिर भी बच्चे वाली लिफ्ट से कुत्ते को ले जाने की जिद करता है। एक महिला भी उसको ऐसा ना करने को कहती हैं तो उनसे बहस करने लगता है। लड़के का लॉजिक ये था कि उसने कुत्ते को मजल पहनाया है, उससे किसी को खतरा नहीं है। इसी सब का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चला। लोग अब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय में बट गए हैं। मैं एक बात कहूँगा, ऐसे वीडियोज में आखिरी और पूरा सच कभी किसी को पता नहीं चलता, तो कोई आखिरी राय ना बनाएं। दूसरा, अगर लड़का कह रहा है कि मजल पहनने पर कुत्ता खतरनाक नहीं है तो एकदम इलॉजिकल बात नहीं कह रहा है। और अगर बच्चा डर रहा है तो उसके डर को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, बड़ों को समझदारी दिखानी चाहिए। बच्चों के लिए बंद जगहों के ऐसे एनकाउंटर ट्रॉमा बन जाते हैं, बच्चे हैं, डरते हैं नए जानवर से। मुंबई के ठाणे से एक ऐसा वीडियो आया है जिसको देखकर आप कहेंगे कि कभी मेरे घर की खिड़की का ऐसा वीडियो ना आने पाए। स्नेहा नाम की यूजर ने क्वीन ऑफ ठाणे नाम के अकाउंट से ये वीडियो डाला। दिख रहा है कि एक बिल्डिंग की खिड़की से बहुत बड़ा सांप अजगर लटक रहा है, दो जने उसे जैसे तैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, देखकर कलेजा कांप जाए, ऐसा सीन है। We'll be right back.
अगर आप भी बीते कुछ दिनों से ऐसी तैसी डेमोक्रेसी के फेसबुक पेज पर आ रही स्टोरीज को देखकर खुद की नज़रों में शर्मिंदा हो रहे थे तो चैन की सांस ले सकते हैं। उनका फेसबुक पेज वापस उनके कंट्रोल में आ गया है, ऐसा उन्होंने खुद पोस्ट करके बताया। एक तस्वीर आई है मुरादाबाद के बैंक ऑफ बड़ौदा की आशियाना ब्रांच से। ये तस्वीर आई, क्या दिखा इसमें? एक महिला ने लॉकर में 18 लाख रुपए रखे थे, उनको दीमक खा गई। अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचा के रखे थे जिनमें दीमक लग गई। तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। लोग टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं कि लॉकर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, लेकिन मानवीय पक्ष भी रखा जा रहा है कि जिनके पैसे गए उन पर क्या बीती होगी। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। कल के शो में मैंने एक ब्लंडर कर दिया था, कहना यह चाहिए था कि कल के शो में भी मैंने एक ब्लंडर कर दिया था, लंगूर को बंदर कह दिया था। आज ये गलती सुधारते हैं, आज लंगूर दिखाकर उसको लंगूर ही कहेंगे। पंचमिशाली नाम के अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से ये वीडियो आया है। कैप्शन था, हनुमान बोलपुर रेलवे स्टेशन पर पूछताछ में ड्यूटी पर है। नजर आता है कि एक लंगूर एक सरकारी दफ्तर के अंदर कंप्यूटर पर काम कर रहा है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।